ओम ज्ञानतिम्रांतस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनः इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे ते श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। सामने की तरफ आ जाओ। तो आज हम चर्चा करेंगे तुलसी आरती का मीनिंग। तुलसी महारानी कौन है? वृंदा देवी, भक्ति देने वाली। लोग तुलसी महारानी को ज्यादा जानते हैं, वृंदा देवी तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तुलसी महारानी कौन है? कृष्ण का पूर्ण शक्ति कौन है? राधा रानी। कंप्लीट एनर्जी ऑफ कृष्ण, असल में उनको लादिनी शक्ति बोलते हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान के विविध प्रकार की शक्तियां हैं। कितने प्रकार की शक्तियां भगवान के? विष्णु पुराण में बताया गया है कि तृतीया शक्ति इष्यते, तीन प्रकार की शक्तियां हैं। कौन से? विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, भगवान की शक्ति एक तो परा शक्ति है, क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा, अविद्या कर्म संजन्या तृतीया शक्तिरिष्यते विष्णु पुराण होता है। क्या भगवान की कितने प्रकार की शक्ति? एक तो पराशक्ति है, ठीक है। पराशक्ति का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति। और उसके बाद क्षेत्रज्ञाख्या अपरा यानी उससे थोड़ा छोटा। परा मतलब बड़ा, श्रेष्ठ, सर्वोच्च, बोलने के लिए परा शब्द उपयोग किया जाता है। और अपरा शब्द किसका उपयोग किया जाता है? उससे नीचे, उसके नीचे। क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा, ये उससे नीचे वाला शक्ति क्या है? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ नाम का शक्ति। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा, जीवात्मा, ठीक है। क्षेत्रज्ञ शब्द कहां से आया? भगवत गीता में भगवान बताते हैं जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र क्या है? शरीर। शरीर क्षेत्र है। शरीर को, इस क्षेत्र को जो जानता है, ज्ञा शब्द जो है, ज्ञा मतलब ज्ञान का धातु है, ज्ञा धातु। हाँ, संस्कृत भाषा में हर शब्द धातु से आता है। जैसे जड़ से पौधा आता है, जड़ मूल होता है उसका, उसी प्रकार से हर शब्द का एक मूल होता है धातु, उस धातु से शब्द आता है। जैसे ज्ञा धातु से ज्ञान, ज्ञेय, ये सब। उसी प्रकार से वित्त धातु से आया वेद, वित्त मतलब वो भी जानना, ज्ञा मतलब सचेत रहना, जानना, वित्त मतलब किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में जानना। वित्त से आया क्या? वेद। वेद अभी बता तो रहा हूँ। वित्त से आया क्या? वेद। और ज्ञान से आया? ज्ञान। ज्ञान। भज से आया? भजन, भक्ति। भक्ति, भजन, ये सब कहाँ से आया? भज, भज धातु से। भज, भज का मतलब
प्रेम से सेवा करना। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जो जानता है, क्षेत्र का जो अवेयरनेस रखता है, वो कौन है? जीवात्मा क्षेत्र है। जीवात्मा है, क्षेत्रज्ञ कौन है? जीवन। हम सब क्षेत्रज्ञ हैं ना, इस क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। वो अपरा यानी पराशक्ति के नीचे वाला। और तीसरा क्या है? अविद्या कर्म संजन्य यानी अविद्या। अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञान अविद्या यानी जड़ प्रकृति जिसके अंदर चेतना नहीं है। ये टेबल है, ये दरी है, बिल्डिंग है, ये क्या है? अविद्या यानी इसके अंदर कोई चेतना नहीं, जड़ प्रकृति, अनकॉन्शियस, इसके अंदर समझ गए ना, चेतना नहीं है, जड़ है, इसको जड़ बोलते हैं। ठीक है, जड़ और चेतन, और ये टोटल कितने हो गए? तीन हो गए। तृतीया शक्तिरिश्यते, भगवान की तीन प्रकार की शक्ति है। ठीक है, और सबसे पूर्ण शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पराशक्ति। पराशक्ति क्या होता है? जी स्पिरिचुअल एनर्जी, जी जो भगवान को पर्सनल शक्ति है, पर्सनल शक्ति है। और पर्सनल शक्ति इन द सेंस, जो भगवान के साथ में रहकर भगवान का इंटरनल एक्टिविटीज देखती हैं। जैसे कंट्री में होम मिनिस्ट्री होता है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होता है, दोनों में क्या फर्क? एक अंदर से काम करता है, दूसरा बाहर से। होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री जो है अंदर का अफेयर्स देखता है, अंदर का लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बाहर का देखता है कि दूसरे देशों से क्या संबंध, कैसे क्या रखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भगवान का जो धाम है, निज धाम, उनके खुद का जो धाम है, वो प्रकट करना, वो उसके अंदर के एक्टिविटीज से रिलेटेड पराशक्ति है। और जो बहिरंग का प्रकृति है, भौतिक प्रकृति को बहिरंग का क्यों कहा गया? अंतरंग और बहिरंग सब कुछ तो भगवान का ही शक्ति है, तो कोई चीज बहिरंगा कैसे हो सकता है? अब एक राज्य का राजा हो, एक बार अकबर से पूछा गया, अकबर को बोला आप भगवान से भी बड़े हो, तो किसी ने ऐसे तारीफ किया, तो अकबर ने बिरबल से पूछा क्या ये बात सही है? वो बोले बिल्कुल सही है, आप भगवान से भी ग्रेट हो। तो अकबर सोचा ये तो ऐसे ही बोल रहे थे, कैसे हो सकता है, ये तो आप गलत बोल रहे हो, अकबर भगवान से क्या बड़े कैसे हो सकता, सही सही रीजन बताओ नहीं तो आपको जेल में डाल दें। बोले बता सकता हूँ क्या है भगवान से बड़े कैसे, क्योंकि भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही राज्य है, और आपका तो लिमिटेड राज्य है, आप अपने राज्य से किसी को बहिष्कार कर सकते हैं, अपने राज्य से बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कैसे छोड़ेंगे, सब कुछ भगवान का ही राज्य है, तो इसलिए आप वो काम कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब तो ये है कि असल में वो भगवान का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कि भगवान का सब कुछ ही है, तो फिर कोई भगे बहिरंगा भले कैसे हो सकता है, बताइए कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान के बाहर हम नहीं हैं, लेकिन हम रहना चाहते हैं, ये रह नहीं सकते हम, मगर रियली भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, यानी भगवान की शक्ति के बाहर कुछ भी नहीं है, भगवान के साम्राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि भगवान से कुछ अलग रहे, तो हमारी इच्छा के अनुसार भगवान हमारी इच्छा को फैसिलिटेट करते हैं। इस तरीके से एक हम एक माया के दुनिया में रहते हैं, जो भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान का अरेंजमेंट इस प्रकार है कि हम अपने भ्रम में हम जी सकते भ्रमित है। हैं। ऐसे दुनिया है जहां पर
ये दुनिया भी भगवान का ही शक्ति है। ये दुनिया भी ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति के बाहर है, ये भी भगवान की शक्ति है, लेकिन ये ऐसी शक्ति है या ऐसी जगह है जहां पर जो भगवान से अलग होना चाहते हैं, अलग से भोग करना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। जेल भी राज्य के अंदर ही है, लेकिन जेल में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो राज्य में राज्य के कानून को नहीं मानना चाहते, करेक्ट। उसी प्रकार से ये भौतिक प्रकृति है, समझ गया ना। तो ये भौतिक प्रकृति जो है इसको बोलते हैं अविद्या, और इसकी जो रखवाली है, इसकी जो मालकिन जो है वो कौन दुर्गा है, देवी। दुर्गा देवी, महामाया, महामाया यानी दुर्गा या पार्वती, जो शिव जी की अर्धांगिनी, ठीक है। तो ये समझ गया। तो पराशक्ति क्या है, भगवान की इंटरनल अफेयर्स, यानी भगवान के साथ में जो रहते हैं, भगवान के साथ में जो जीव रहते हैं, भगवान के साथ में जो लीला में भाग लेते हैं, उनका खुद का जो धाम है वहाँ का एक्टिविटीज से रिलेटेड शक्ति है पराशक्ति, जिसकी पर्सोनिफिकेशन है राधा रानी या लक्ष्मी, इंटरनल पोटेंसी, आंतरंगिक शक्ति। और जो शक्ति भगवान से अलग है, या शक्ति भगवान से अलग नहीं है, बल्कि जो शक्ति भगवान से अलग होने वालों को देखभाल करती है, जेल मिनिस्ट्री यानी जेल या प्रिजन में जो रहते हैं कारागार, उनको देखभाल करने वाला जो डिपार्टमेंट संभालती है वो महामाया है, वो भी भगवान की ही दासी है, लेकिन वो एक अलग डिपार्टमेंट संभाल रही है, समझ। और बीच में, दोनों के बीच में कौन है, हमें क्षेत्रज्ञ, जी तटस्था शक्ति भी बोलते हैं उसको, तटस्था शक्ति का मतलब तटस्था, तट में, बीच में, बॉर्डर में रहने वाले, नदी है, नदी के तट में या समुद्र के तट में कुछ रेत होता है ना, वो रेत कभी कभी क्या होता है, पानी के अंदर हो जाता है, कभी कभी सुबह सुबह बाहर आ जाता है, हमारा कंडीशन कुछ ऐसा है, कभी इधर कभी 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 इधर। हाँ कभी बहिरंग शक्ति के अधीन में आ जाते हैं, महामाया के अधीन में आ जाते हैं, या कभी कभी अंतरंग न्यूट्रल शक्ति के अधीन में, किसी न किसी के अधीन में हमको रहना ही पड़ेगा। नहीं रह सकते। हाँ, न्यूट्रल पॉसिबल ही नहीं, या तो बहिरंगा शक्ति महामाया, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, हमारा, हम बहुत छोटे हैं, बॉर्डर, बॉर्डर जो होता है डायनेमिक होता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसा नहीं है, थल और जल का जो बॉर्डर होता है बदलते रहते हैं ना, बॉर्डर एग्जैक्टली बॉर्डर कहाँ है खींच के दिखाओ, दिखा सकते हो क्या, समुंदर और जमीन की बॉर्डर जो है एग्जैक्टली खींच के दिखा सकते हो क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल। और इस पॉइंट पे आ गया तो समुंदर, इस पॉइंट बगल वाले पॉइंट में फिर हवा, बाहर जमीन, तो वैसे कोई बीच वाला पॉइंट नहीं होता है, समझ गया ना। तो हमारा ये है कि चॉइस, या तो इनके अंडर में रहना है, नहीं तो उनके अंडर, या तो राधा रानी के अंदर में रहना, उनकी सेवा करना, या महामाया के अंदर में सजा भोगना, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्रकार की शक्ति, और उसमें उसमें भी फर्दर कैटेगरीज हैं, उसमें भी फर्दर विभाजन है। बहिरंग शक्ति में 8 प्रकार की है, 8 प्रकार की नहीं, पहले बोलता हूँ 2 प्रकार की है बहिरंग शक्ति, महामाया जो है 2 प्रकार की, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, ठीक है। स्थूल मतलब जिन जिनको हम अपने इंद्रियों से समझ सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं या छू सकते हैं या सुन सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, सूख सकते हैं, अपने इंद्रियों से जो डायरेक्टली समझ में आता है वो क्या है, स्थूल है। और इसके पीछे इनको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो सूक्ष्म है,
सूर्य में क्या है? पंच महाभूत, कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये हमको समझ में आता है, इंद्रियों को समझ में आता है, पर इनके पीछे क्या है? मन। मन है एक्चुअली। आजकल साइंस भी प्रूव कर रहा है, प्रूव कर रहा है क्या, खोज चुका है बहुत सालों से, कि देखने वाला जो कोई रहता है तभी किसी चीज का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। देखने वाले के आधार पर ही रियलिटी डिपेंड करती है, रियलिटी का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। दृष्टा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका, रियलिटी का। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन जो है सूक्ष्म के अंदर बात है, ठीक है? क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार को हम छू नहीं सकते हैं, हम देख ऐसे नहीं डायरेक्टली सकते। आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वही चलाते हैं। जैसे ये शरीर स्थूल है, इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर चला हम कोई काम करते हैं, पहले मन, बुद्धि, अहंकार उस पर जुड़े हुए रहते हैं, मन में सोचते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, अहंकार से पहले पहचान बनाते हैं, ठीक है? अहंकार क्या करता है? आपका पहचान देता है, आपको पहचान देता है। अहंकार यानी अपना पहचान, जो हम समझते हैं, जो रियलिटी है वो कुछ और हो सकता है, जो अपने आप को जो पहचान समझते हैं वो आपका अहंकार है, करेक्ट? जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये मेरा अहंकार है। या मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ये भी अहंकार है। अहंकार का मतलब क्या बोला मैंने? पहचान। पहचान आपका पहचान जो भी हो, आप सोचते हो आप बहुत सुंदर हो, वो भी अहंकार है। आप सोचते हो बहुत बदसूरत हो, ये भी अहंकार है। आप सोचते हो बहुत अमीर हूँ, वो भी अहंकार है। सोचते हो मैं बहुत गरीब हूँ, वो भी अहंकार है। मैं कर सकता हूँ, ये भी अहंकार है। मैं नहीं कर सकता हूँ, ये भी अहंकार है। मैं अच्छा हूँ सोचना भी अहंकार, बुरा हूँ सोचना भी अहंकार। तो पॉइंट ये है कि ये हमारा पहचान, मैं ये हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मैं, ये मेरा हैबिट है, ये मेरा नेचर है, ये सब अहंकार है। क्योंकि ये सब हमारे पहचान होता है ना, बोलते मुझे रोटी पसंद है, ये भी अहंकार है। क्योंकि ये हमारा पहचान बना रहे हैं, मैं ऐसा खाना खाता हूँ, मैं अपना अपना आगे जो भी आइडेंटिटी, मतलब पहचान। पहचान में डिटेल में जाओगे तो और बहुत कुछ है उसमें, पहचान के डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ है। हम तुलसी महारानी के आदि के एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, पर ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो हमारा पहचान कई तरह का होता है, मुझे ऐसे ऐसे लोग पसंद नहीं होते, ऐसे लोग पसंद होते हैं, ये हमारा अहंकार है। हर जगह हम अपना जो भी, मैं सोचता हूँ मैं ऐसा हूँ, ये जैसे जो भी उसका डिस्क्रिप्शन दो, अच्छा बुरा जैसे भी हो, वो अहंकार है, ठीक है? उसी के आधार पर हम काम करते हैं। और मन, मन क्या करता है? मन तो फील करता है, अरे यार बहुत ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ये बहुत तीखा है ये खाना, ये फीका है, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत आदमी अच्छा लगता है, ये फीलिंग मन में है, और मैं ऐसा व्यक्ति को पसंद करता हूँ, वो अहंकार है। क्योंकि जो आपका पहचान वाला एस्पेक्ट है वो अहंकार है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये अच्छा लग रहा है, वो बुरा लग रहा है, जो फीलिंग्स है वो मन है।
मन में सिर्फ फीलिंग्स होते हैं, मन फील करता है, ठीक है, तो बुद्धि सोचता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है, एनालाइज करता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपको क्या बोलते हैं उसको, समोसे पसंद है, समोसे दिख रहे हैं, बना रहे हैं गरम गरम, मन को मन लगता है कि खाऊं, फिर बुद्धि में विचार आता है कि एक्चुअली क्या है, अच्छा तो लगता है लेकिन अभी मैं खाऊंगा तो एक खाने का टाइम नहीं है, फिर मेरा सिस्टम गड़बड़ा गया या डॉक्टर ने मना किया, ये विचार ये सोचने वाला क्या बुद्धि है। मन कहता है कि नहीं मेरे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, हाँ सैकड़ों करोड़ों रुपए होना चाहिए, ये मन है, उसके लिए क्या करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ना है, प्लान बनाना, ये क्या बुद्धि, बुद्धि है। हाँ, और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार ये तीनों मिलाकर क्या है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है हमारा, ठीक है। ये सब अविद्या की बात हो रही है, अविद्या आठ प्रकार की बताए ना, नहीं दो प्रकार की, दो प्रकार स्थूल और सूक्ष्म, और सूक्ष्म स्थूल में पांच और सूक्ष्म में तीन। हाँ अच्छा, आठ इधर की आंख नाक जीभ कान त्वचा, स्थूल में कितने, पांच, आंख नाक जीभ कान त्वचा, और सूक्ष्म में क्या बताया, मन बुद्धि अहंकार, थ्री, तीन, ठीक है, तो टोटल आठ हो गए एक गीता के अनुसार, और वही भागवतम के अनुसार उन आठ को फर्दर डिवाइड करके 24 बताया गया है, उसमें अभी नहीं जाएंगे हम, पर वो 24 भी मिलाकर ये आठ के अंदर ही आते हैं, और ये आठ मिलाकर ये दो के अंदर आते हैं, कौन से, सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल और सूक्ष्म, ग्रॉस एंड सटल, सटल मतलब सूक्ष्म, ग्रॉस मतलब स्थूल, ग्रॉस और सटल दोनों मिलाकर अविद्या महामाया भौतिक प्रकृति। तो ये एक एनर्जी है, ठीक है, इसके अलावा अब दूसरा आया इंटरनल मार्जिनल, हम लोग जीवात्मा क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र यानी आत्मा, ठीक है, इसका मतलब आत्मा क्या हुआ, स्थूल सूक्ष्म दोनों से अलग है, मन बुद्धि अहंकार इन सबसे भी अलग है आत्मा, समझ गए, जीवात्मा क्योंकि चेतन है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतना जीवात्मा। तो इसके अलावा क्या है, अभी मेन भगवान की इंटरनल पोटेंसी क्या है, तो इंटरनल पोटेंसी भी तीन प्रकार की है, अंतरंग शक्ति भी तीन प्रकार की है, संधिनी, संवित और लादिनी। संधिनी शक्ति क्या करती है, भगवान का धाम वगैरह को मैनिफेस्ट करती है, आप बोल सकते हैं एक प्रकार का ग्रॉस स्थूल, आध्यात्मिक शक्ति में स्थूल, स्पिरिचुअल एनर्जी में भी स्थूल सूक्ष्म का विचार होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी में स्थूल क्या है, संधिनी शक्ति, वो क्या करती है, भगवान के धाम, भगवान का धाम, भगवान के अलग अलग पार्षद ये सब तैयार करती है, पूरा सीन सीन बनाती है, सब कुछ प्रकट करती है, गोवर्धन पर्वत, यमुना, वो कदम के पेड़, 12 वन, और उन वन में अलग अलग जगह, है कि नहीं, लीला स्थलियां, ये सब प्रकट करती है क्या, संधिनी, संधिनी शक्ति, क्या संधिनी शक्ति, और उसके आगे दूसरा, दूसरी क्या है, संवित शक्ति, संवित शक्ति, संवित शक्ति क्या है, संवित शक्ति क्या करती है, आपको भगवान के साथ जो संबंध है उसकी जानकारी देती है, उसको फील कराती है,
कि कृष्ण मेरे स्वामी है, ठीक है। वित्त, वित्त का मतलब फिर वही वित्त धातु से, वित्त धातु मतलब फिर जानना, संवित मतलब पूर्ण, सम मतलब पूर्ण रूप से, संवित यानी पूर्ण रूप से जानकारी देती है, यानी कि मेरे मैं कौन हूं। वहां पर भी अहंकार होता है पर वो शुद्ध अहंकार है, रियल अहंकार है। मैं कृष्ण का दास हूं ये भी अहंकार है, पर ये ओरिजिनल अहंकार है जो जो रियलिटी है, जो रियल हमारा आइडेंटिटी है। मैं कृष्ण का दास हूं, और कौन सा दास हूं, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपकी सेवा क्या है, आप किनके असिस्टेंट हो, ये सब संवित शक्ति प्रदान करती है। संवित शक्ति बताती है कि नहीं एक्चुअली मेरी मेरे गुरु हैं फलाना फलाना महाराज, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, मेरे दोस्त हैं फलाना फलाना ये सारे भक्त, उनके साथ में सेवा करता हूँ यहाँ पर, और वही भगवत धाम जाएंगे तो भी वही ऐसे ही कुछ रहेगा कि मैं फलाना गोपी हूँ या फलाना गोप हूँ या फलाना मंजरी हूँ या फलाना बंदर हूँ या फलाना गाय हूँ जो भी है या मोर हूँ, और मैं इस तरह से भगवान की सेवा करता हूँ, कृष्ण की सेवा करता हूँ, और ये मेरे पार्षद है, ये सब जो है, और कृष्ण को इस प्रकार ये चीज पसंद है, इस तरह से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इस तरह से सेवा करोगे कृष्ण खुश होंगे, ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी देने वाली शक्ति क्या है, संवित शक्ति। पहले संधिनी बताया, संधिनी क्या करती है, प्रकट करती है, चीजों को प्रकट करती है, जमुना गोवर्धन 12 प्रकार के वन, कदंब वृक्ष, भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, ये सारे मतलब जो जो चीजें प्रकट करने वाली, मतलब पूरे भगवान के धाम को प्रकट करती है, ऐसा बोल सकते हैं, पूरे भगवान धाम को प्रकट करने वाली शक्ति, वो क्या है, संधि। और संवित क्या है, जो कि हमको बताती है गॉड और हमें रिलेशन बताती है, हाँ वो जानकारी देती है, समझने में नॉलेज देती है, ज्ञान देती है, जो रियल ज्ञान है वो देती है संवित। और तीसरी शक्ति है हलादिनी, हलादिनी शक्ति आनंद देती है, आनंद आकर्षण भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम, प्रेम प्रदान करती है, तीव्र प्रेम का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रेम, एक तीव्र इच्छा भगवान को खुश करने का, लव इज नथिंग बट ए डिजायर टू प्लीज कृष्ण, कृष्ण को खुश करने की इच्छा, इसी को प्रेम कहते हैं और कुछ नहीं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तार वाले प्रेम, नहीं सॉरी, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, यानी अपने आप को खुश करने का, अपने इंद्रियों को खुश करने की जो इच्छा है वो काम है, और कृष्ण को खुश करने की इच्छा, कृष्ण की इंद्रियों को खुश करने की इच्छा प्रेम है, दोनों एक ही है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन है, बस एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। अपने इंद्रियों को खुश करने की इच्छा काम है, भगवान की इंद्रियों को खुश करने की इच्छा प्रेम। ओके, अगर दूसरों को खुश करना उसका क्या है, अगर दूसरों को हम खुश करना चाहते हैं, वो ये सोच के खुश करना चाहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, इसलिए मैं उनको खुश करना चाहता हूँ, ये भी काम का ही एक्सटेंशन हो रहा, ऐसा सोचे नहीं, ये कृष्ण का भक्त है, ये कृष्ण का सेवक है, इसलिए मैं उनको खुश करना चाहता हूँ ताकि कृष्ण खुश हो सके, वो प्रेम का ही एक्सटेंशन है। तो दूसरों के साथ जो संबंध है वो भी किस केंद्र पर है, मेरा वो है ऐसा करके केंद्र पर है कि कृष्ण का है बोल के केंद्र पर, कृष्ण का केंद्र पर है, तो उससे समझ में आता है कि वो जो रिलेशनशिप स्पिरिचुअल है कि मटेरियल है। कृष्ण के आधार पर रिलेशनशिप है कि ये इवन अपने परिवार में भी मेरे पिताजी और माताजी ये कृष्ण के भक्त हैं और मुझे उनके दौर ले जा रहे हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, ये स्पिरिचुअल हो गया। हाँ, ये मेरे माता पिता है, मुझे अच्छे कपड़े पहनाते हैं,
अच्छे खाना देते हैं, तो इसलिए मैं उनको प्रेम करता हूँ। यह है अपने मेटेरियल लाइफ का एक्सटेंशन हो गया, समझ गया ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप्स में जो प्रेम है, प्रेम प्रेम की बात करो, तो प्रेम प्रदान करने वाली शक्ति लादिनी शक्ति, प्रेम देने वाली। और प्रेम से क्या होता है, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट आनंद। जब हम अपना डिजायर फुलफिल होता है, यानी अपनी इच्छा पूरी होती है, तो आनंद अच्छा लगता है ना। अगर मैंने आपसे 5,000 रुपये मांगा और आपने दे दिया, तो मैं कैसे, मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। या अगर आप, आपको जॉब चाहिए, मिल गया, तो कैसे लगेगा। ये मेटेरियल आनंद है, स्पिरिचुअल आनंद नहीं है। खुशी तो इच्छा मतलब की पूर्ति होती है तो क्या होती है, खुशी खुशी मिलती है, खुशी मिलती हैप्पीनेस। है, हैप्पीनेस मिलती है। तो स्पिरिचुअल इच्छा क्या है, स्पिरिचुअल इच्छा मैंने बताया प्रेम। प्रेम का मतलब क्या, कृष्ण को खुश करने की इच्छा। और जब वो प्रेम होती है, उस प्रेम में जब कुछ करते हैं, उससे क्या मिलती है, उसे भी हैप्पीनेस खुशी मिलती मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। वो आनंद देने वाली शक्ति राधा रानी, वो आह्लादिनी, आह्लादिनी, आह्लाद, आह्लाद बोलते हैं ना, आह्लाद। हाँ, आह्लाद शब्द है, तेलुगु में है, हिंदी में है कि नहीं पता नहीं होगा। आह्लाद मतलब खुशी, आनंद। वो देने वाली शक्ति लादिनी, ठीक है। तो आप समझ गए, संधिनी संवित और लादिनी। संधिनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, संवित नॉलेज प्रोवाइड करती है, ज्ञान प्रोवाइड करती है, और लादिनी आनंद प्रोवाइड करती है। आप जैसे पिकनिक गए, पिकनिक स्पॉट चाहिए ना, कहीं तो जाना है, पिकनिक में जाना है, तो एक जगह तो चाहिए। हाँ, आप पूछ सकते हो, संधिनी वो प्रोवाइड कर रही है ना। फिर वहाँ क्या करना है, वहाँ हम क्यों गए हैं, क्या करना है, किस पर्पज से गए हैं, और हम आपस में क्या, एक दूसरे में क्या संबंध है वहाँ, ये जो जानकारी है संवित। और वो सब करने से, वहां जाके पिकनिक में, वहां के जो कार्य करने से अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, मजा आएगा, खुशी में मिलेगी, वो है लादनी, समझ गए। तो ये तीनों एक के ऊपर एक है एक्चुअली। लादनी आनंद तभी ना मिलेगा जब पहले दोनों होंगे। अगर आप, आपको को पता ही नहीं कि आप कौन हो, भगवान कौन है, तो कहां से आनंद मिलेगा। तो एक स्टेप वाइज है, संधिनी संवित और लादिनी। लादिनी है या मनी, बाकी दोनों है, पूर्ण शक्ति। लादिनी क्या है, पूर्ण शक्ति है। जैसे 50 रुपये, 100 रुपये और 1,000 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में 50 भी इंक्लूडेड है और 1,000 में 100 भी इंक्लूडेड है, ऐसा। तो लादिनी यानी पूर्ण शक्ति, वो कौन है, राधा रानी। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई, स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रसारण। और संवित शक्ति को योग माया कहते हैं, संवित शक्ति को, जो हमको भगवान के बारे में ज्ञान, भक्ति के बारे में ज्ञान, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना उसका ज्ञान, ये देने वाली शक्ति, समझ गया ना। तो अब तुलसी महारानी कौन है। राधा रानी जो हलादिनी शक्ति है, उनका विस्तार है, उनकी एक्सपेंशन है एक्चुअली। वृंदा देवी संधिनी शक्ति है। वृंदा देवी क्या करती है, वृंदावन, वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन मतलब वृंदा देवी का वन, वृंदा देवी का वन है वो। तो वृंदा देवी का वन जो है, वो आध्यात्मिक माहौल पैदा करती है। वृंदावन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो ऐसी जगह है जहाँ राधा रानी, बाकी दोनों शक्ति जो संवित और लादिनी काम करती हैं, उसका प्लेटफॉर्म है, उसकी जगह है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, वृंदावन, वृंदा देवी वो है। तो इसलिए वृंदा देवी को हम क्या, वो राधा रानी का एक्सपेंशन, राधा रानी के अंश है। तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, कृष्ण को बहुत प्रिय है, कृष्ण
तुलसी महारानी का लक्षण है, वो कभी कृष्ण के चरण को नहीं छोड़ती है, कभी कृष्ण के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। कभी कभी लक्ष्मी देवी बिजी हो जाती है भक्तों को वर देने के लिए, कभी कभी लक्ष्मी भी विष्णु के पैर दबाते दबाते ब्रेक लेती है कभी कभी ब्रेक लेती है, ब्रेक लेती इन द सेंस ऐसा नहीं कि हाँ स्थिर रहती है, भगवान के चरणों में स्थिर रहती है लक्ष्मी भी, चंचला है लक्ष्मी, बहुत बोलते हैं कि लक्ष्मी बहुत चंचल है, एक एक व्यक्ति के पास नहीं रहती ज्यादा देर, चंचल है वो, लेकिन भगवान नारायण के चरण में स्थिर है, स्थिर तो है लेकिन फिर भी कभी कभी अपने भक्तों को कृपा करने के लिए जाती है, लेकिन तुलसी महारानी कभी नहीं जाती है, इसलिए लक्ष्मी से भी तुलसी ज्यादा प्रिय है कृष्ण को, ये भागवत में प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो तुलसी कृष्ण प्रिय से नमो नमः, आप कृष्ण को बहुत प्रिय हो, आपको प्रणाम करता हूं। फिर राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पावो मतलब पावो मतलब बंगाली में प्राप्त करूंगा, यही अभिलाषी, यही मेरी अभिलाषा, मेरी मेरी इच्छा है प्राप्त करना है ये इच्छा, राधा कृष्ण का सेवा प्राप्त करूंगा ऐसी इच्छा है, करूंगा वही मतलब करना है, करना है वही बोलते हैं ना, राधा कृष्ण का सेवा का प्राप्त करूं ये इच्छा है मेरी, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये राधा कृष्ण का सेवा प्राप्त करो ये मेरी इच्छा है। और जे तो मार शरण लोय, जो आपके शरण लेते हैं तार वांछा पूर्ण हो, उनकी वांछा उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, और क्या करती हो आप उनको कृपा करी, कृपा करके तारे करो, करो तारे यानी उनको करते हो, क्या करते हो वृंदावन वासी, वृंदावन में वृंदावन वासी बना देते हो आप किसी के ऊपर कृपा करते हो तो क्या करते हो वृंदावन वासी बना देते हो, उनको वृंदावन वासी बना देते हो, वृंदावन में जगह दे देते हैं, आप किसी को कृपा करते हैं तो क्या करते हैं वृंदावन में उनको जगह देते हैं। तो तुलसी महारानी वृंदावन में जगह देने से क्या होगा, वृंदावन में जगह देने का मतलब क्या है, वृंदावन ऐसा नहीं कोई वहां स्थान है वहां पर एक 2 BHK का फ्लैट मिल जाएगा आपको कोई अपार्टमेंट में, ये नहीं, वृंदावन में स्थान का मतलब आपको ऐसे जगह में स्थान जहां आपको शुद्ध भक्ति कृष्ण भक्ति कर सकते हो, करने का फैसिलिटी देती है। आप अगर मान लो अपने घर में रहोगे तो क्या आप ये सब कर लोगे, कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा, उसको भी वृंदावन बनाना पड़ेगा, तो वहां का माहौल चाहिए ना, अपन यहाँ क्यों आए हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, वो माहौल देना ही तो वृंदावन का मतलब क्या है, वो माहौल वृंदावन का मतलब है ऐसा माहौल जहां पर आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो, अच्छे से भक्ति कृष्ण भक्ति करने का माहौल है वृंदावन, ऐसा नहीं कोई सिर्फ एक जगह का नाम है, जगह तो है वृंदावन नाम का लेकिन वो जगह क्यों महान है, क्योंकि वहां माहौल है, और वहां माहौल नहीं है तो वो वृंदावन नहीं है। अगर वहां पर वृंदावन में जाके कोई दारू का दुकान के पास घर है और दारू बेच रहा है पी रहा है या कुछ ऐसा ही कुछ काम कर रहा है तो वृंदावन में रहते हुए वृंदावन नहीं रह, मैं नहीं रह रहा, ऐसा आचार्य बोलते हैं कि धाम में एक लेयर होता है, एक माया का लेयर होता है, उसके ऊपर आप बैठे हो, एक्चुअली धाम पे नहीं बैठे हो, अगर आप वृंदा देवी का आश्रय नहीं लेते, भक्ति का आश्रय नहीं लेते हो तो ऐसे भी अगर फिजिकली जाएंगे वृंदावन तो वहां बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सभी प्रकार के गलत काम करते हैं, तो क्या वो वृंदावन में रह रहे हैं, नहीं। पर आप मान लो भले अमेरिका में बैठे हो लेकिन बहुत अद्भुत एक मंदिर है कृष्ण का और वहाँ गुरु है वैष्णव है भक्ति कर रहे हैं तो कहाँ बैठे हो, वृंदावन। तो वृंदावन का मतलब ये है कि एक ऐसा परफेक्ट माहौल, अभी तो हमने
क्या देखा है? अगर इवन अच्छे, अगर रियली आप कोई एसोसिएशन, अच्छे एसोसिएशन मिलता है तो ऐसा लगता है कि गोलोक वृंदावन पहुंच गए, और वहाँ कितना अच्छा रहता है। एक शुद्ध भक्त हैं, उनसे हम प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत सिंसियर भक्तों का, अद्भुत भक्तों के संग मिल रहा है। जब मायापुर यात्रा या वृंदावन यात्रा में जाते हैं, देखते हैं हजारों डिवोटीज, और भी सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि एक एक डिवोटी कितने अच्छे अच्छे क्वालिटीज हैं उनके अंदर। उन सबके एसोसिएशन में हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो तब आपको समझ में आता है, वो फीलिंग आती है कि क्या है वृंदावन, वृंदावन। तो जब वृंदा देवी किसी पे कृपा करती है तो क्या करती है, वो वृंदावन वास देती है, वृंदावन वृंदावन में वास वास देती कराती है, है। ऐसा आपको एक फैसिलिटी देती है जहाँ आप भक्ति कर सकते हो, शुद्ध भक्ति कर सकते हो, उनकी कृपा से मिलता है आपको। वो फैसिलिटी के बिना हम चाह के भी नहीं कर पाते, और वो ऐसा फैसिलिटी है जहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ पर आपको माया नहीं है, जहाँ आपको ऐसा नहीं कि कोई भगवान से दूर ले जाने वाली चीज़ कुछ कुछ है वहाँ पर, वैसा माहौल प्रोवाइड करती है, वैसी जगह में वैसे स्थान देती है, वैसे एक पोजीशन देती है जहाँ से आप अच्छा से भक्ति कर सकते हो। उसके बाद मोरा यही अभिलाष, मेरा ये अभिलाषा है, अभिलाष यानी इच्छा, विलास कुंजे दियो वास, विलास कुंज, कुंज मतलब मैंने बताया ना, जहाँ वृंदावन में जहाँ जहाँ पर्सनल गोपियों के साथ वो निकुंज है, वो राशि राधा रानी करनी, कुंज मतलब जहाँ पर गोपियों के साथ गोपियों के साथ लीला होती है कृष्ण की, विलास कुंज जहाँ विलास यानी एंजॉय, या कृष्ण एंजॉय करते हैं गोपियों के साथ, वहाँ मेरा वास दीजिए, वहाँ मुझे मुझे वास्ते मुझे आवाज़ दीजिए, यानी मुझे जगह दीजिए, स्थान दीजिए। विलास कुंजे दिया आवाज़, क्यों वहां क्यों स्थान चाहिए आपको, क्या आपको गोपी बनना है क्या? आनंद की प्राप्ति होना। नहीं, नयने हरि वो सदा युगल रूप रास, युगल रूप मतलब भगवान राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राशि मतलब कितना, रूप राशि यानी रूपों की, दर्शन रूप राशि का मतलब क्या होता है, राशि का मतलब क्या होता है, ढेर ढेर बहुत सारा बहुत सारा भंडार, रूप राशि यानी रूप, सुंदर रूप का भंडार है, मतलब ऐसा कि नहीं सिर्फ कोई रूप है राधा कृष्ण का, सभी सुंदरता अगर एक साथ डाल दिया जाए, सुंदरता का सबसे एक्सट्रीम कुछ है तो वो है रूप राशि बोलते हैं, युगल रूप राशि, युगलों का रूप राशि है। और नए नए हेरिबो सदा, हेरिबो मतलब देख तो देखूंगा अपने आंखों से, नए नए मतलब आंखों से, हेरिबो सदा हमेशा देखूंगा युगल रूप राशि, और अद्भुत सुंदर अति सुंदर रूप वाले राधा कृष्ण को निरंतर देखता रहूं, इसलिए आप मुझे निकुंज में वास दीजिए, मेरी ये अभिलाषा है कि आप मुझे कुंज में, विलास विलास कुंज कुंज में आप मुझे वास दीजिए, ताकि मैं हमेशा वो युगल रूप राशि, अद्भुत अनंत सुंदरता वाला जो राधा रूप कृष्ण का पे रूप को मैं दर्शन कर सदा पाऊँ। दर्शन करता ही रहूं, इससे इसकी जगह कि मैं कुछ और देखता रहूं, कर दीजिए। तो ये उसका, फिर उसके बाद एक और अभिलाषा बता रहे हैं अगले श्लोक, यही निवेदन धरो, ये मेरे निवेदन सुनो, धरो यानी सुनो, मेरे जो निवेदन है उसको लो, उसको एक्सेप्ट करो, क्या है, यही निवेदन धरो, सखी सखीर अनुगत करो, सखी यानी जो सखियां होती है ना, सखियां कौन है, गोपियां, अष्ट सखियां गोपियां और राधारानी की दासियां है कि नहीं, सखीर अनुगत करो, उनके अनुगत में रखो मुझे,
उनके असिस्टेंट बना। ये निवेदन करो, सखी अनुगत करो, उसके बाद तो असिस्टेंट मतलब क्या है? आप डायरेक्टली राधा रानी के असिस्टेंट थोड़ी बनेंगे, राधा रानी के ऑलरेडी असिस्टेंट्स वो कौन है? गोस्वामी लोग, छह गोस्वामी, रूप वो मंजरी के फॉर्म में, रूप मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी, बहुत सारे वो सब। हाँ वो तो गोस्वामियाँ हैं, हम डायरेक्टली वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते, उनके कोई असिस्टेंट होंगे और उन असिस्टेंट्स के कोई असिस्टेंट होंगे और उन असिस्टेंट के भी कोई असिस्टेंट होंगे और उनके भी और उनके भी असिस्टेंट होंगे और कहीं वहाँ लाइन में कहीं नौकरी में कहीं पीछे कहीं किसी न किसी का असिस्टेंट बना लो। अच्छा गोपियों में से किसी का असिस्टेंट बना, एकदम ऊपर वाले गोपियों में नहीं, पीछे समवेयर लाइन में आखिरी में कहीं बस लाइन में जो आखिरी वाला कहीं तो ये निवेदन है सखी अनुगत करो, ऐसा किसी सखी का अनुगत करो मुझे। अनुगत मतलब उनके अंडर में रखना, तो वो जैसा जैसे वो एंगेज करते हैं वैसा करना। वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन अभी मटेरियल वर्ल्ड में भी वो चीज़ लाग, मैंने बताया ना चैतन्य लीला जो है कृष्ण लीला का पार्ट, एक पार्ट है। अभी पहले हमको चैतन्य लीला में आना है, फिर बाद में कृष्ण लीला, अब डायरेक्ट वृंदावन थोड़ी जाएंगे, पहले महाप्रभु की लीला में जाना है। तो जो अभी चल रहा है इस भौतिक जगत में प्रभुपाद के थ्रू चल रहा है ना, इस्कॉन के थ्रू, ये सर नो, तो सखी अनुगत करो मतलब क्या? अपने गुरु के अनुगत होना चाहिए, क्योंकि वही तो सखी होंगे ना वहां जाके। तो ऐसा नहीं कि वहां अचानक कोई नया सखी मिल जाएगी आपको, सखी अभी ऑलरेडी भगवान ने भेजा है आपके पास भगवान का किसी सखी को ऑलरेडी भेजा है वो गुरु के रूप में, उनकी सेवा करो और जब आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, तो वो उनकी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सखी वाला रूप है वो देख पाओगे और आप अपना भी एक सखी वाला रूप देख पाओगे। अभी जैसे ये मेरे गुरु और मैं उनका शिष्य हूँ अभी हूँ, फिर एक टाइम पे क्या हो जाएगा जब परफेक्ट स्टेज में चले जाएंगे तो वो गुरु अभी गुरु का रूप एक सखी वाला रूप जैसा बदल जाएगा और हमारा भी अभी ये मटेरियल बॉडी नहीं रहेगा वहां पे भी एक और रूप बदल जाएगा, समझ गया ना? तो अभी हमारे लिए सखी अनुगत मतलब करो मतलब किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रखो मुझे, जो मुझे ट्रेन कर सकता है, जो मुझे भक्ति में प्रॉपरली लगा सकता है, जो मुझे सिखा सकता है भक्ति को, एंगेज कर सकता है, सेवा में नियुक्त कर सकता है, ऐसे प्रामाणिक वैष्णव के अधीन में, उनके अनुगत में, उनके सर्विस में एंगेज करो। यही निवेदन करो, सखी अनुगत करो और सेवा अधिकार दिए, सेवा करने का अधिकार देना चाहिए। आप अगर कोई बिना बोले अगर आपके कपड़े धोके सुखा देंगे तो आप क्या बोलेंगे? कोई अनजान व्यक्ति मान लो, वैसे ही कोई नया व्यक्ति जिसके साथ आपका ज्यादा कोई संबंध नहीं है, वो आके आपके कपड़े धो लेगा या आपके घर साफ कर लेगा, या अचानक कोई अपने घर में घुस जाएगा, घर से घर झाड़ू पोछा लगा के चले जाएगा, आप क्या बोलेंगे? किसने बोले तुमको किसने कहा है करने के लिए? तुम कैसे घुसा है, कैसे कर लिया ये? मैंने बोला क्या आपको करने के लिए? तो कौन होते हो करने वाला, बोलेंगे ना? है कि नहीं? पर अगर आप, अगर कोई आते आपसे मांगता है प्लीज कुछ सेवा दीजिए और आप बोलते हैं ठीक है मेरे कपड़े धो देना, तो तब वो धोएगा तो अच्छा आप एक्सेप्ट करोगे? वो ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्डली जाके घुस जाके आप सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए अधिकार देना पड़ता है। सेवा अधिकार दिए यानी कोई सेवा करने का अधिकार जब मिलता है तब हम सेवा कर सकते हैं। अधिकार कौन देता है? जिसके पास है, जिसके पास राइट है, जिसके हाँ मुझे सेवा दिया गया कि ये काम करो, ये सेवा करो, तब उसमें मैं किसी और को एंगेज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ही अधिकार नहीं, मैं आपको कहाँ से अधिकार दूंगा? सही कि नहीं? तो जिसके पास अधिकार है वो अधिकार दे सकता है
जो सखी सखी हमने पूछा है ना, सखी अनुगत करो, सखी का अनुगत में रखो मुझे, और वो सखी के पास अधिकार है सेवा करने का, और वो अपने अधिकार में से थोड़ा बहुत अधिकार हमको भी दे सकती है। किसी गोपी का काम है फूल माला बनाना, आप बोल सकते हैं मेरा काम है फूल माला बनाना, उसका अधिकार है मुझे, तो मैं थोड़ा आपको भी एंगेज कर दूं, चलो वहां से दो चार गुलाब तोड़ के ले आओ, तो उन्हें आपको अधिकार दिया वो उनको असिस्ट करने का, तो वो फूल तोड़ के लाए और उन्हें फूल माला बनाया। ठीक है, उसी प्रकार से किसी गुरु का काम है इस जगह में प्रचार करना, उनका वो अधिकार है, फिर आपको बोले चलो ठीक है आज आप भी लेक्चर दो, आप भी थोड़ा प्रचार करो, आप भी एक कॉलेज में स्टार्ट करो प्रोग्राम, तो क्या हुआ उनके अधिकार में हमको भी थोड़ा अधिकार दिए प्रीचिंग करने का, कुछ भी सेवा करने का। तो कहने का मतलब है वो सखी या वो गुरु को अधिकार है भगवान की सेवा करने का, और हम उनके अनुगत बनेंगे तो वो थोड़ा बहुत अधिकार हमको भी देंगे ताकि हम भी एंगेज हो सके। सेवा अधिकार दिए करो करनी निज दासी, हाँ सेवा अधिकार देकर आपकी दासी बनाओ, आपकी खुद की दासी बनाओ, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नए नए हेरिबो सदा बैठ के बैठ के देखता रहूंगा, तमाशा देखता रहूंगा कृष्ण राधा रानी क्या चाहिए। लीला कर रहे हैं, बट लेकिन उस लीला में जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से भाव वो सेवा करने की इच्छा भी होगी। पहले क्या बोले वृंदावन में वास दे दो, फिर बोले देखना चाहता हूँ लीला, मुझे स्थान दो कुंज में ताकि मैं राधा कृष्ण का लीला देख सकता हूँ, पर फिर अभी थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़े, सिर्फ देखना नहीं कुछ सेवा सेवा भी भी करना है। करना है, उसके लिए किसी सखी के अनुगत में रखो और थोड़ा बहुत सेवा का अधिकार दिलवाओ उनके माध्यम से, और अपनी खुद की दासी बना, तो सेवा के मतलब अधिकार देकर सेवा करोगे तो अल्टीमेटली आखिरी में क्या मिलेगा आपको, वो अगले श्लोक में बताया, क्या बोले दीन दीन कृष्ण दास कृष्ण दास, दीन कृष्ण दास, मैं कोई बड़ा दास नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ क्वालिफाइड हूँ इसलिए मैं वृंदावन में घुस आया, नहीं मैं तो जस्ट तुच्छ हूँ। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, बोला कि आई एम द मोस्ट फॉलन प्रभुपाद, मैं सबसे गिरा हुआ सबसे खराब व्यक्ति हूँ इस्कॉन में, सबसे खराब डिवोटी हूँ, सबसे गिरा हुआ हूँ प्रभुपाद, ऐसा बोला किसी ने प्रभुपाद, प्रभुपाद बोला नहीं आप सबसे कोई भी चीज में सबसे हाईएस्ट नहीं हो, गिरे हुए होने में भी सबसे हाईएस्ट नहीं हो आप यू आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट, यू आर नॉट हाईएस्ट ऑफ एनीथिंग, यू आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट, दैट्स ऑल प्रभुपाद बोले अगर बोलेंगे सबसे गिरा हुआ मैं हूं तो वो भी अहंकार है, बोलते हैं सबसे गिरा हुआ हूं मतलब अब सबसे कुछ भी नहीं हो, सबसे बड़े भी नहीं हो, सबसे गिरे हुए भी नहीं हो, अब जस्ट एक नगण्य हो बस, मतलब ऐसे प्रभुपाद जी ने बता दिया। नरोत्तम दास ठाकुर जब बोलते हैं मैं सबसे गिरा हुआ हूँ उसमें उनका अहंकार नहीं है, लेकिन हम अगर बोलते हैं मैं सबसे गिरा हुआ हूँ उसमें भी हमारा अहंकार तो कहने का मतलब है कि दीन कृष्ण दास है, यानी दीन कृष्ण दीन हूं मतलब मेरा क्या है कुछ नहीं है, ये नमो रहो यही मेरे मेरे ऐसे मेरे ऊपर कृपा करो जिससे श्री राधा गोविंद प्रेम में सदा जय, श्री राधा गोविंद के प्रेम में हमेशा सदा भासी भासी है मतलब बहता हूँ तैरता हूँ, तैरना भास भासना यानी तैरना, राधा गोविंद प्रेम में हमेशा तैरता रहूँ ऐसे कृपा करो, ताकि ये सब सेवा करना ये सब करना अल्टीमेटली क्यों भगवान का प्रेम में डूबे रहना तैर रहना यानी उनकी खुशी के लिए, तो ऐसा कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हम उनका प्रार्थना करते हैं ताकि वृंदावन में जगह स्थान मिले, वहाँ पर्टिकुलर यहाँ पर भी हमको वृंदावन में स्थान मिला है, कुछ ना कुछ इसका में प्रभुपाद के मोमेंट में हमको स्थान मिला है, कोई जगह में हम रहते हैं कुछ तो करते हैं, फिर किसी के अनुगत्य में हमको सेवा करने का मौका मिला है, और वो थोड़ा बहुत सेवा करने का अधिकार भी हमको दे रहे हैं, और वो सब करते हुए राधा गोविंद के प्रेम में हमें
हमेशा रहना चाहिए। और यही जब अभी साधना अवस्था में हैं और वही सिद्ध अवस्था में जाएंगे, भगवत धाम में जाएंगे, तो वहाँ पर भी सिद्धांत वही है, वहाँ गोपियों के रूप में, ब्रजवासी के रूप में रहेंगे, और यहाँ पर इस भौतिक जगत में किसी और रूप में रहेंगे, लेकिन वो भी करना वही है, गुरु और वैष्णव उनकी सेवा, उनके माध्यम से भगवान की सेवा, उनके अनुगत्य में भगवान की सेवा, ताकि उनके प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सके। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया सबसे बड़ा गोल क्या है, मोक्ष है ना। हाँ, मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो सिर्फ शुरुआत है। मोक्ष का मतलब जेल से बाहर निकलना, जेल से बाहर निकल गया तो सिर्फ शुरुआत है जीवन में, अल्टीमेट एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है, उसके बाद असली जीवन स्टार्ट होती है जेल से बाहर आने का। तो ऐसा है, तो मोक्ष के बाद जो स्टार्ट होती है वो रियल भक्ति है। तो प्रेमा पमर्थो मान कृष्ण प्रेम, प्रेम का मतलब तीव्र इच्छा, सब बहुत इतनी तीव्र आकर्षण, इतना तीव्र भगवान के प्रति वो डिजायर है उनको प्रसन्न करने का, उनकी सेवा करने का, शुद्ध बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई अपनी खुद की खुशी की इच्छा के, निस्वार्थ। तो वो प्रेम, वो प्रेम प्राप्त करना ही अल्टीमेट गोल है, प्रयोजन है। तो अल्टीमेटली वो दो, तो स्थान से लेकर दर्शन से लेकर सेवा से लेकर प्रेम तक सब मांग रहे हैं इस भजन में। तो इस मारने से तो ऐसा फिर प्रणाम करके फिर परिक्रमा करते हैं, यानी कान से भगवान ब्रह्म हत्यादि कानी से तानी तानी प्रणश्यंत प्रदक्षिणा करते, जो जो यानी कानी चाहे, मतलब जो भी पाप करते हैं किए हुए हैं, करते हैं नहीं किए हुए हैं, ब्रह्म हत्यादि कानी से, ब्रह्म हत्या से लेकर जो भी पाप है, तानी तानी प्रणश्यंत, वो सब खत्म हो जाते हैं। प्रदक्षिणा हर पदे पदे, हर कदम में, पदे मतलब हर कदम में, ऐसा बहुत सारे पाप कर लो जन्मों के सब खत्म होते हैं परिक्रमा करने से, इसका मीनिंग है। और प्रणाम करते हैं वृंदाये तुलसी देवी प्रिया ये केशव से, वृंदा देवी को, तुलसी देवी को, जो केशव कृष्ण को बहुत प्रिय है, और जो विष्णु भक्ति प्रदेय, विष्णु भक्ति देती है, सत्यवती है, नमो नमः सत्यवती है, उनको प्रणाम करता हूँ। वो तुलसी महारानी वैकुंठ में भी रहती हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण की सेवा प्रदान करती है, और वृंदावन में राधा कृष्ण की, पर ओरिजिनल जो वृंदा स्वरूप है वो वृंदावन में राधा कृष्ण के साथ ही है, इसलिए वृंदावन वहाँ पर। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ऐश्वर्य भाव है वहाँ पर, यानी भगवान के ऐश्वर्य, भगवान को महान परमेश्वर समझ के, उस भाव से दास समझ के खुद को उस भाव से सेवा कर रहे हैं, एक राजा की जैसे सेवा की जाती है, एक राजा सम्राट की जैसे सेवा किया जाता है। और वृंदावन में प्रेम से सबसे प्रियतम व्यक्ति के रूप में, ठीक है। तो वृंदा देवी को प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो तुलसी आरती डेली हम गाते हैं, उसी जो प्रार्थना है वो अभी भी हम करेंगे कि वृंदा देवी आप हमको वृंदावन में स्थान दीजिए, ताकि हम हमेशा भगवान के दर्शन करते रहें, और उनके कोई शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में हमें रखें, और उनकी सेवा करने के कुछ अधिकार दें, खुद की दासी बनाए, ताकि हमेशा श्री राधा और गोविंद के प्रेम में हमेशा डूबे रहें। ये प्रार्थना, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे ओम।